नमस्कार दोस्तों दोस्तों रोमन रेंज ने WWE स्मैकडाउन की किकआउट की और बाद में वे ब्लड लाइन के साथ पूरे WWE यूनिवर्स को ये कहने लगे कि एक्नॉलेज मी, और सबने उनको एक्नॉलेज भी किया। बाद में उन्होंने सैमी जेन की अच्छे से क्लास ली। पहले तो उन्होंने सैमी जेन को कुछ बोलने को कहा और बाद में रोमन रेंज ने उनसे सीधा ये कह दिया कि वे इस साल की बात नहीं कर रहे, वे लास्ट स्मैकडाउन की बात कर रहे हैं जो कि पिछले साल हुई है, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा सैमी जेन की वजह से। उन्होंने कहा कि वे हारे नहीं हैं, वे सैमी जेन द्वारा हराए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पिंड भी नहीं हुए, सैमी जेन हारे हैं दोस्तों। और बाद में उन्होंने सैमी जेन को गुस्से से ये कहा कि क्या तुम ट्राइबल चीफ बनना चाहते हो, क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? मेरी जगह लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, तुम हारते हो और मैं जीतता हूँ। और सैमी जेन ऐसा देखकर, रोमन रेंज का ये रूप देखकर पॉल हेमन और सैमी जेन चौंक गए और साथ ही वे डर भी गए। सैमी जेन को डर लग रहा था कहीं रोमन रेंज उन्हें ब्लड लाइन से बाहर ना निकाल दे। दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।